जो काम इजराइल की पूरी सेना नहीं कर पाई, हमास के घर में घुसकर भारत की इन तीन बेटियों ने कर दिया। गंगाजल पीकर हमास के आतंकियों पर ढा दिया कहर। पूरी दुनिया कर रही है इन भारत बरसी बेटियों की तारीफ। कौन है भारत की तीन कमांडो जिनके लिए रो रहा है पूरा इजराइल? सच जानकर आप भी नहीं रोक पाएंगे आंसू। पूरी इजराइल की सेना एक तरफ और भारत की ये तीन जबांज बेटियां एक तरफ। पूरे इजराइल की सेना एक तरफ और भारत की ये तीन जबांज बेटियां एक तरफ। हिंदुस्तानी बेटियों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद और खबर को शेयर कीजिए ताकि दुनिया वाले हिंदुस्तानी मिट्टी के इन शेरनियों की कहानी को जान सके। हमास के आतंकी जब इसराइल के ऊपर रॉकेट और मिसाइलें दाग रहे थे, उसी दौरान हमास के लिए मौत बनकर हिंदुस्तान की तीन बेटियां टूट पड़ी। अमेरिका और इसराइल के घातक टैंक भी जो नहीं कर पाए, उसे इन जवान बेटियों ने कर दिया। भारतवंशी बेटियां हमास के आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़ी और ऐसी तबाही मचाई कि हमास के आतंकी समुद्र में कूदने के लिए मजबूर हो गए। हिंदुस्तान की मिट्टी में कितनी दम होती है, इजरायली सेना में कमांडो बनी भारतवंशी बेटियों ने दुनिया को दिखा दिया है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इजराइल के लिए हजारों लोगों को बचाने वाली इन बेटियों के लिए पूरा इजराइल रो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र से ये बेटियां इजराइल की सेना में कैसे पहुंची, इसकी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त इजराइल और हमास की लड़ाई और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। युद्ध में अमेरिका के शामिल होने के बाद अरब के मुस्लिम देश भी इजराइल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। हमास के आतंकियों को इजिप्ट गोला बारूद दे रहा है। रूस भी हमास के आतंकियों का साथ दे रहा है। लेकिन इसी बीच हमास के आतंकियों ने भारत के इन तीन बेटियों को मार दिया। ये खबर सुनते ही पूरा हिंदुस्तान दुखी हो गया। लेकिन इनके लिए सबसे ज्यादा इस वक्त इजराइल रो रहा है, क्योंकि हमास के आतंकियों से हजारों इजराइलियों को बचा कर खुद शहीद हुई हैं। जो काम इन बेटियों ने किया है शायद अमेरिका की पूरी फौज नहीं कर पाएगी। भारत वंशी तीन लड़कियों की इजराइल में मौत हुई है। इनमें से दो लड़कियां इजराइल डिफेंस फोर्स में ऑफिसर थी, जबकि तीसरी लड़की के बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। दो लड़कियां हमास के आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गई हैं। बताया जा रहा है कि हमास के आतंकी ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई में आतंकियों की गोली इनके सीने तक आ पहुंची और हमास आतंकियों का शिकार ये दोनों लड़कियां हो गई। हमास के आतंकी बहुत बड़ा विस्फोट करने की तैयारी में थे, तभी भारत वंशी दोनों बेटियां हमास के आतंकियों को धुआं बनाने के लिए पहुंच गई। सैकड़ों आतंकियों को खत्म करने के बाद खुद भी शहीद हो गई। ये तीनों बेटियां भारत के महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, भारतीय यहूदी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और इजराइल की सेना में काम करती थी, इजरायली सेना का हिस्सा रही। एक लड़की का नाम ओ मोजज है जो इजरायली फौज में ऑफिसर थी। दूसरी लड़की का नाम किम बताया जा रहा है जो इजराइल की बॉर्डर गार्ड पुलिस में ऑफिसर थी। जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारे देश में भले ही लड़कियों को सेना में बहुत कम भर्ती किया जाता है, लेकिन इजराइल की सेना में सबसे ज्यादा लड़कियां बड़े बड़े ऑपरेशन में शामिल होती हैं। इजराइल के अंदर 18 साल की उम्र होते ही हर लड़की कुछ साल के लिए सेना में भर्ती हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि इजराइल के अंदर जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो सैनिक है। इजराइल की महिला सैनिक पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाती हैं। ये खूबसूरत लड़कियां पल भर में दुश्मन को मौत की नींद सुला देती हैं। हमास के आतंकियों पर तबाही मचाते हुए भारतवंशी बेटियों ने अपनी कुर्बानी दे दी है। पूरा इजराइल भारतवंशी बेटियों के लिए रो रहा है। लेकिन अब भारत भी बहुत गुस्से में है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, पीएम मोदी भी जल्द ही कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की तरफ से पहले ही भारत की सेना इजराइल लेबनान बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो मोदी भारत से अपनी सेना को भी भेज सकते हैं। अगर भारत की सेना इजराइल पहुंची तो 24 घंटे के अंदर दुनिया के नक्शे से आतंकी खत्म हो जाएंगे। क्या ये आपको भी लगता है कि भारत को अपनी सेना इजराइल भेज देना चाहिए? और भारत वंशी इन बहादुर बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।